कोरोना वायरस की वजह से देश को इस वक्त 21 दिन के लिए यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन को लेकर सेलेब से लेकर आम लोग तक अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने देश में आपातकाल घोषित करने की मांग की है। ऋषि उन बॉलीवुड एक्टर्स में से हैं जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव रहते हैं। ऋषि किसी न किसी मुद्दे पर ट्वीट करते रहते हैं, कई बार वो इस वजह से ट्रोल भी हो जाते हैं। अब उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद देश में इमरजेंसी लगाने की डिमांड की है। इस डिमांड के बाद लोग उन पर जमकर बरस रहे हैं। ऋषि ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय साथी भारतीयों, हमें आपातकाल घोषित कर देना चाहिए। देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है। अगर टीवी पर भरोसा करें तो लोग पुलिस और मेडिकल स्टाफ को पीट रहे हैं। देश में हालात पर काबू पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, एक यही तरीका है जो हम सब के लिए ठीक रहेगा। डर हमारे अंदर घर कर रहा है। बता दें ऋषि कपूर के इस ट्वीट के बाद लोग उन पर काफी नाराज हो रहे हैं। एक्टर के ट्वीट पर कमेंट कर लोग जमकर भड़क रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या फिलहाल 700 से ऊपर पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में अब तक कोरोना के कुल 724 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 640 मरीज का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं 66 मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 17 लोगों की अब तक कोरोना की चपेट में आने से मौत हो चुकी है।